30 बरसों से बाप पीता था शराब। मेरे पापा को 30 साल हो गए। घर हो गया था बर्बाद। बहुत ज्यादा कंडीशन खराब थी घर की। अचानक ऐसा क्या हुआ कि पूरा परिवार हो गया आबाद? एक इंसान छोटी सी नौकरी करता था और उसको दो दुकानें खुलवा दी, ये बहुत बड़ी बात मायना रखती है अपने आप में। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम फौजी दास है। फौजी दास है, कहाँ से हुआ? मैं खेड़ली से हूँ, अलवर डिस्ट्रिक्ट से। अलवर डिस्ट्रिक्ट जी। और सर संतरामपाल जी से आपने कब नाम लिया था? मैंने लिया था 2018 में। 2018 में लिया जी। आपको पता है संतरामपाल जी जेल में है? जी पता है, जेल में है। फिर आपने क्यों नाम लिया उनसे? उनसे पहले ये है कि भगत जी मेरे पापा आए थे सड़ में सबसे पहले। अच्छा। तो उन्होंने नाम लिया और फिर वो बहुत ज़्यादा शराब पीते थे, बहुत ज़्यादा। वो करीब सुबह 4 बजे ठेके पे जाते थे वो। अच्छा। और दिन भर शराब पीते थे, करीब एक महीने में करीब 25-30 हज़ार रुपये की शराब पीते थे। अच्छा। और उनसे भी ज़्यादा मैं पीता था। अच्छा। फिर वो मेरे से बोलते थे सत्संग देखना तू, फिर मैं भी कहता था मैंने कि एक संत पता नहीं जेल में और ये कैसे। वो कह रहे हो कि आप महीने की 20-30 हज़ार रुपये की शराब पीते थे, तो ये कब से कितने सालों से पी रहे थे आप? मेरे को करीब 6 साल हो गए। 6 साल से आप दारू पी रहे थे? और मेरे पापा को 30 साल हो गए। मतलब वो 30 साल से दारू पी रहे थे जी। अच्छा। फिर क्या हुआ? फिर ये संतरामपाल जी महाराज की शरण में इतने बड़े लाभ हुए मेरे को, बहुत बढ़िया लाभ हुआ। ये सबसे बड़ा लाभ ये हुआ कि मेरे पापा ने दारू छोड़ दी। अच्छा। और हमारे घर में फिर मैंने भी दारू छोड़ दी गुरुजन की दया से। ऐसे क्या संतरामपाल जी ने चमत्कार किया जो शख्स 30 साल से शराब पी रहा, महीने की 20-30 हज़ार शराब पीने वाला, और आप भी शराब पीते थे इतने की, तो ऐसे कैसे शराब छोड़ दी? वो देखो, वो खुद का खुद एक भगवान है, वो तो उनके भगत ही जानते हैं। क्यों, कितने भगत जानते हैं? किसके? संतरामपाल जी महाराज के। अच्छा। वो भगवान के रूप में आए हुए हैं पृथ्वी लोक पे। वो एक बहुत बड़े पावरफुल हैं। अच्छा। बहुत बड़े पावरफुल हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। वो तो छोटी बात है, बहुत छोटी बात है। अच्छा। और आपको क्या फ़ायदा हुआ? मेरे को ये फ़ायदा हुआ कि मैं पहले नौकरी करता था और फिर मैंने बंदी छोड़ गारमेंट के नाम से दो दुकान खुलवा दी गुरुजी की दया से। दो दुकानें खोल दी गारमेंट की। पहले आप और कहीं नौकरी करते थे, अब आपकी खुद की दो दुकानें चल रही हैं? दुकानें खुद की चल रही हैं बंदी छोड़ गारमेंट के नाम से। और मेरे पापा ने भी एक 10 लाख रुपए का प्लॉट ले लिया है 1.5 साल के अंदर अंदर। मतलब बहुत ज़्यादा लाभ हुए। फिर क्या है कि मेरा सारा परिवार है ना गुरुजन के शरण में आ गया, पूरा परिवार। इतनी बड़ी गुरुजन की बहुत बड़ी दया हुई। पहले आप क्या काम करते थे जब लोग इतनी शराब वगैरह पीते थे, इतना पैसा कहाँ से आता था? मैं पहले यही कर्ज ले लेके दारू पीते थे सबसे, बहुत ज़्यादा परेशान से घर वाले थे, वो मम्मी बहुत ज़्यादा परेशान थी क्योंकि मेरे से मेरे पापा से बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब थी घर की। अब आपका कहने का मतलब कि आपकी शराब भी छूट गई है, आपकी दो दुकानें भी हो गई हैं, 10 लाख का एक प्लाट भी ले लिया, प्लॉट ले लिया है। ये मात्र 2-3 सालों में ही हुआ जब से संतरामपाल से नाम दीक्षा ली? ढाई साल में बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है 2.5 साल में। सब ऐसे रिश्तेदार वगैरह भी ऐसे कहने लग गए कि इनके पास पता नहीं ऐसे कहाँ से आ गया। तो हमने बोला गुरु जी का ही चमत्कार है सारी चीज़ में। गुरुजियों का बहुत बड़ा चमत्कार था, बहुत बड़ा। जो एक इंसान छोटी सी नौकरी करता था और उसको दो दुकानें खुलवा दी, ये बहुत बड़ी बात मायना रखती है अपने आप में। कौन से शहर में है दुकान आपकी? मेरी खेड़ली शहर में है। हाँ, बंदी छोड़ गारमेंट के नाम से। मैं बिल दिखा सकता हूँ आपको, देखो। ये क्या है कि मैं अभी माल लेके आया था, जब मैं सोचा पेशी कर चलूँ परमात्मा की, बंदी छोड़ गारमेंट ही बिल है। कितने का माल लिया आपने? माल लिया मैंने 89,042 रुपये का, मतलब 90,000 रुपये का माल है। तो जिस तरह से आपको जो लाभ हुए हैं, जैसे आपको 2 साल में आपकी बहुत ज़्यादा तरक्की हो गई, शराब भी छूट गई, और भी कुछ लाभ हुआ आपको संतरामपाल जी शरण में आने के बाद? हाँ, मेरी आँखों में एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। मतलब मैं क्या है कि जैसे 2 घंटे भी नहीं सोता था ना, तो मेरे पे बहुत ज़्यादा आँखों में दिक्कत होती थी। लेकिन आज मैं देख लो जगते जगते आया हूँ और अब भी जग रहा हूँ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। मेरी आँखें देख लो आप, बिल्कुल सही है, एकदम बढ़िया। वो बहुत बड़ी बीमारी थी मेरे आँखों की, वो भी ठीक है। तो जिस तरह से आपको चमत्कार हुए हैं, लोगों का अगर लोगों को ये सुनेंगे या लोग कहते भी हैं कि भाई संत रामपाल जी के समर्थक हैं वो झूठ बोलते हैं और सही नहीं बोलते हैं, अंधभक्ति में फंसे हुए हैं, क्या ये बात सही है? नहीं, आप आ सकते हैं, ऐसे नहीं है। क्या पता क्या आपका पता? ये है कि मेरा अलवर जिला तहसील कठुमर और छोटा सा कस्बा है खेड़ली, आ सकते हैं। बंदी छोड़ गारमेंट के नाम से दुकान है, श्याम गारमेंट की बगल में। बाकी ये मेरे जो पड़ोसी हैं खास, इनसे पूछ सकते हैं आप। भगत जी बोलो। हाँ जी, क्या बार क्या ये जो कह रहे हैं कि भाई हम महीने में इतनी शराब पीते थे और इतना बड़ा लाभ हुआ, आप इनके पड़ोसी हैं, तो क्या कहेंगे? हाँ भगत जी, इनका कहना सही है। इन दोनों
बाप बेटों में इतनी लड़ाई होती थी आपस में कि एक दूसरे को जान से मारते थे। इनकी माँ डेली आके हमारे घर पे कहती थी इनको बचाओ, इनको समझाओ। जो मेरी बुआ जी ने नाम ले रखा था संत रामपाल जी महाराज से, मेरी बुआ जी ने इनको बताया इनके पापा को कि आप ऐसे ऐसे करो और इस प्रकार से गुरु जी की शरण में जाइए, वहाँ आपको सब कुछ मिलेगा। इनके पापा गुरु जी की शरण में आए और शरण में आकर इन्होंने शराब छोड़ी, फिर इन्होंने शराब छोड़ी। आज मालिक के दया से इनके पास सब कुछ है, जो कुछ पूरे मोहल्ले वाले इनको देखते हैं कि क्या घर था और आज कितना अच्छा घर हो गया इनका। तो जी आप देख सकते हैं कि किस तरह से संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद इनके यहाँ पे तरक्की हुई है, इनकी तरक्की हुई, सभी बुराई छूटी। तो इस बात में एक बार स्पष्ट ये हो सिद्ध हो चुकी है कि संत रामपाल जी की जो साधना है, जो भक्ति है, वो नंबर एक ही है। और जो संत रामपाल जी के लाखों फॉलोवर्स जुड़ रहे हैं, संत रामपाल जी के जेल में जाने के बाद भी जो लोग यहाँ पे आते हैं उनसे मिलने हैं, तो उसका ये कारण है। आपके सामने जो अभी उदाहरण देगा, अगर किसी को डाउट है तो इनके यहाँ पे जाके इन्होंने अपना एड्रेस वगैरह बताया, वहाँ पे जाके कन्फर्म कर सकते हैं। और इनके पड़ोसी भी हैं, इन्होंने भी बताया कि इनकी क्या हालत थी और आज संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या सुधार हुआ। तो ये वास्तविक में संत रामपाल जी के द्वारा समाज सुधार किया जा रहा है।